हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। गाइस, मैं आज आपको एक बात बताने वाली हूँ। विंटर्स में आप अपने होठों का क्या करते होंगे, क्या खास ख्याल रखते होंगे? चेहरे का तो ख्याल रखते हैं, अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, अपने चेहरे पे अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज लगाते हैं, नमी रखने वाली अपने चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, बट अपने होठों के लिए आप क्या करते हैं? होठों के लिए कुछ खास तो करते हो ना गाइस, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दियों हेवी विंटर आने से पहले हमारे होठों पे असर दिखने लगता है। हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, फटने लगती है, साथ ही हमारी स्किन बहुत ज्यादा वाइट पपड़ी टिप की लेयर निकलने लगती है। तो गाइस, मैं आज आपको कुछ ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके होठ ना सिर्फ फटने से बचेंगे, ना सिर्फ आपके होठ मुलायम होने के साथ साथ, मॉइस्चराइज होने के साथ साथ आपके होठों पे एक गुलाबी सा कलर आ जाएगा, मतलब नेचुरल पिंक हो जाएगा। जिन लोगों आपके होठ काले हैं, अगर आप इस टिप्स को जो मैं अभी बता रही हूँ 3 से 4 दिन आप यूज कर लो, तो डेफिनेटली आपके काले होठ पिंक हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे, साथ ही आपके होठ पे विंटर्स में मॉइस्चराइज हो जाएंगे, आपके होठ फटना बंद हो जाएंगे और बहुत ज्यादा मुलायम हो जाएंगे। हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसके लिए आपको ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज हमारे किचन में ही मिल जाएंगे। तो चल वीडियो को देख लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच रॉ मिल्क, कच्चा दूध। 1 चम्मच मैंने कच्चा दूध ले लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर की कुछ पंखुड़ियां, थोड़े से केसर, इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर लेंगे हम। और इसमें कुछ रोज पेटल ऐड कर लेंगे। अब इसे हम 15 मिनट तक छोड़ देंगे उसके बाद जो हमारा लिप स्क्रब है वो बना लेते हैं हम। उसके लिए मैं यहां ले रही हूं 1 चम्मच रॉ मिल्क, कच्चा दूध। उसमें मैं ऐड कर ले रही हूं कॉफी पाउडर थोड़ा सा। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस हम इसे। ये हमारा तैयार हो गया है लिप स्क्रब, थोड़ा सा और ऐड करेंगे गाइस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है गाइस, लिप स्क्रब और मास्क। हमारा जो है वह है लिप स्क्रब और मास्क। मैंने थोड़ा सा सिर्फ लिपस्टिक लगाया है गाइस, तो इसे मैं हटा लेती हूँ, रिमूव कर लेती हूँ। ये जो मैंने बनाया हुआ है ये लिप स्क्रब और लिप मास्क, तो मैं क्या करूंगी पूरे होठों में अप्लाई कर लूंगी। इसे हम 5 मिनट तक अपने होठों में छोड़ देंगे, वेट करते हैं 5 मिनट। आप बस जादू दिखना गाइस। पंखुड़ियां हैं ये निकाल लेंगे, उसके बाद हम इस पे रगड़ेंगे। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है इसमें से।
आप खुद देखना रिजल्ट लाइव। मैं इसे हटाती रिमूव कर दूंगी, थोड़ा सा हनी ऐड कर लेंगे गाइस, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस ये हमारा रेडी हो जाएंगे। साथ ही आपके लिप जो है, आपके होठों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ 3 से 4 दिन। आपको डेली 3 से 4 बार आपको इसे अप्लाई करना है बस। आप देखना खुद आपके लिप कितने ज्यादा प्लम्पिंग हो जाएंगे। तो अपनी स्किन पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये आपकी स्किन पे भी बहुत कमाल करेंगे। जैसे ये आपके होठों का कलर चेंज करेगा, मुलायम करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, उसी तरह आपके चेहरे का भी कलर चेंज करने के साथ साथ आपके गालों को मुलायम और सॉफ्ट बनाएगा। देख रहे हो आप चेंजेस गाइस। डेफिनेटली एक बार आप यूज करोगे तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट जरूर दिखेगा। कुछ क्या, बहुत कुछ डिफरेंट दिखेगा। आप जैसे देख ही रहे हो, अगर आप इसे सिर्फ 4 दिन यूज कर लो डेफिनेटली आपके काले होठों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही आपके होठ मुलायम भी हो जाएंगे, फटना बंद भी हो जाएंगे विंटर्स में, और बहुत ज्यादा आपके होठ गुलाबी हो जाएंगे, मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे गाइस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।